हेलो हेलो लर्नर्स, सभी को नमस्कार। आज उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलते हैं, यूट्यूब। ओके, यूट्यूब बेस्ड लर्निंग। क्यों यूट्यूब बेस्ड लर्निंग ज़रूरी हो गई है, क्यों इस पर इतना पॉपुलर है, क्या इसके पीछे थीम है, क्या पॉजिटिविटी है इसके साथ, कोई डिसएडवांटेज भी है क्या, इस पर हम लोग बात करते हैं आज, है ना। यूट्यूब बेस्ड लर्निंग, हम सभी लोग यूट्यूब से परिचित हैं। तो एज अ टीचर क्यों ज़रूरत पड़ी यूट्यूब की, यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करने की? बिकॉज आई नीड एंड टीचर्स नीड एंड हैव टू वर्क फॉर व्हाट? कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। वी हैव टू वर्क फॉर कंटिन्यूअसली डेवलपिंग अवर प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट मीन्स इट हैज टू बी कंटिन्यूइंग, इट हैज टू बी प्रोफेशनल एंड इट लीड्स टू दी डेवलपमेंट। कंटिन्यूइंग मीन्स बिकॉज लर्निंग नेवर सीजेस, है ना, क्योंकि जो हमारा सीखना है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम लोग ने हाफ लाइफ ऑफ नॉलेज की बात कर ली है, हमने ये बात कर ली है नॉलेज कितनी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, हमने ये बात कर ली है कैसे प्रोफेशनलिज्म बढ़ रहा है, कैसे इतना सब कुछ नया नया आ रहा है। तो हमको लगातार सीखते रहना है, पहली बात। दूसरी बात, हमको प्रोफेशनल बनना है, क्योंकि टीचर्स अक्सर कहा जाता है कि दे लैक प्रोफेशनलिज्म, तो क्यों हम पीछे रह जाएं बाकी प्रोफेशन से। इसलिए हमको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पे काम करनी है और डेवलपमेंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि विकास हो। गोल इज टू इम्प्रूव पर्सनल परफॉर्मेंस टू। हमको अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी करनी है। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो कंपटीशन है वो ग्लोबल टीचर्स के साथ है। अब हम अपने आप को ग्लोबली शो करना चाहते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जरूरत है। सो टीचर डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग द बेस्ट टीचर वन इज एबल टू बी, अ प्रोसेस दैट कैन बी स्टार्टेड बट नेवर फिनिश्ड। मतलब अगर हम शिक्षक विकास की बात करें तो ये वो प्रक्रिया है, एक अच्छा शिक्षक बनने की वो प्रक्रिया है जो शुरू तो होती है लेकिन कभी खत्म नहीं होती। बिकॉज हमें लगता है कि ये अभी बच गया, ये रह गया, ये रह गया। जब आप पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, मतलब कुछ नया ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं, तो आप जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी पढ़ने की ललक बढ़ती जाती है। क्योंकि जितना आप पढ़ते हैं उतना आप जानते हैं कि उतना आप कम जानते हैं। इसीलिए कम पढ़े लिखे लोग, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो खुश रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। पर जिन्हें ज्यादा कुछ पता होता है वो परेशान रहते हैं कि और पता होना चाहिए, अभी हम बहुत कम जानते हैं। तो ये जो एक थ्राइव है, ये जो थर्स्ट फॉर नॉलेज है, ये हमको डेवलप करने की ऊर्जा देता है, मोटिवेशन देता है। ओके, देन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, चार स्टेजेस होती हैं कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की: अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, इंगेजमेंट और इंटीग्रेशन। मतलब कि हमको पहले अवेयरनेस हो कि हमको डेवलप करना है, फिर हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो वन स्टेप अहेड, फिर हम उसके संग इंगेजमेंट सीख जाएं, मतलब हम उसमें लगे रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, और फिर हम उसको अपनी टीचिंग में इंटीग्रेट करके टीचिंग कर पाएं किसको, जो हमने डेवलप होकर सीखा है। ओके, देन हाउ टू बिकम प्रोफेशनली डेवलप। देखिए डिजिटल नेटिव्स की बात यहाँ फिर आ गई। डिजिटल नेटिव्स अगर हम लोग जान लेंगे तो बहुत जगह हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेजेंट जनरेशन, ये एक एच एक्स्ट्रा आ गया ये गलती से। प्रेजेंट जनरेशन इज टर्म्ड एज डिजिटल नेटिव्स, हम लोग जान गए हैं, एंड देयर टीचर्स एज डिजिटल इमाइग्रेंट्स, ये भी हम जान गए हैं। और हम ये भी जान गए हैं कि ये टर्म, ये नामकरण मार्क प्रिंस के द्वारा 2001 में किया गया है। दे प्रोसेस एंड परसीव्स न्यू इन्फॉर्मेशन डिफरेंटली देन देयर एजुकेटर्स एक्सपेक्ट टू टीच। और भी क्यों हमको प्रोफेशनली डेवलप्ड होना है? क्योंकि जो डिजिटल नेटिव्स हैं जिनको हम पढ़ाने जा रहे हैं, कौन, जो टीचर, जो कि कौन है, क्या है, डिजिटल इमाइग्रेंट है। तो जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि हमको उनको ऐसे पढ़ाना है, लेकिन वो तो चूंकि हमसे ऑल टुगेदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक उनके पास है, तो वो जो है वो प्रोसेस और परसीव जो न्यू इन्फॉर्मेशन को एकदम अलग तरीके से करते हैं, जैसा कि हम मान के चलते हैं कि वो करेंगे। इसलिए हमको डिजिटली अपग्रेड होना है। देन दिस डिजिटल गैप, ये जो डिजिटल गैप है किसके बीच में, नेटिव्स और इमाइग्रेंट्स के बीच में, ये इट इज अ ह्यूमन वेयर रादर देन अ सॉफ्टवेयर इश्यू। मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ह्यूमन वेयर है। मतलब हम अपने मन में अगर चाह लें, ठान लें कि हमको फ्लेक्सिबल होके बहुत कुछ नया सीखना है, रिजिडिटी को त्याग दें, तो ये हम हासिल कर सकते हैं। देन इट इज अ चैलेंज फॉर टीचर्स टू फाइंड एंड डेवलप क्रिएटिव एंड इफेक्टिव वे। सो चूंकि हम इमिग्रेंट हैं और उनको डिजिटल नेटिव को टीच करना है, तो ये हमारे लिए चैलेंज है कि हम कैसे बढ़िया और एकदम डेवलप कर लें क्रिएटिव और इफेक्टिव वेज आपसे डील करने के लिए। देन
तो की कहाँ है, इसका सूत्रधार कहाँ मिलेगा हमको, ये सब की लाइज इन बीइंग डिजिटली स्किल्ड। तो अगर हम डिजिटली स्किल हो जाएं तो ये जो गैप है, जो डिजिटल डिवाइड आ गया है हमारे आपके बीच में, इसको हम फुलफिल करके आप तक पहुंच सकते हैं। देन व्हाई यूट्यूब, क्यों यूट्यूब ही चुना गया, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है हम उनको चुन सकते हैं, क्यों यूट्यूब को चुना गया। सिंस 2006 यूट्यूब वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट्स ऑन द वेब। आज से नहीं, कोविड में तो खैर बहुत बढ़ गया, हर चीज हम लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन 2006 से ही जब हम एटलीस्ट हम यूट्यूब नहीं यूज करते थे, यूट्यूब पे कुछ नहीं सर्च करते थे, तब से ये फास्टेस्ट ग्रोइंग वेबसाइट है। और स्टनिंग 2 बिलियन एक्टिव मंथली यूजर्स अकॉर्डिंग टू नेट रेटिंग। ओ माई गॉड, 2 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं नेट रेटिंग्स के हिसाब से, किसके, यूट्यूब के। और ओवर 100 मिलियन वीडियो क्लिप्स आर व्यूड डेली ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर, ये तो आज का डेटा नहीं है ना, कितना भी नया होगा तब भी पुराना डेटा है, तो ये और बढ़ गया होगा। तो लोग रोज 100 मिलियन वीडियो क्लिप्स देख लेते हैं यूट्यूब पे। फिर देर आर हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज, थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड मिलियंस ऑफ ऑप्शंस, है ना। खाना कैसे बनाना है, ऐसे लेके पौधे कैसे उगाना है, ऐसे लेके सिलाई कैसे करनी है, कढ़ाई कैसे करनी है, दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आपके जेहन में आए और आपको वो यूट्यूब पे ना मिल जाए, है ना। तो मिलियंस ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड 98% ऑफ स्टूडेंट्स यूज यूट्यूब एज अ रिसोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। देखिए, ये हम और आप नहीं करें, ये रिसर्च में प्रूफ हो गया है। एंड 86% ऑफ देम कंफर्म दैट इट हेल्प्स इन देयर लर्निंग, यानी कि 98% देखते हैं जिसमें से 86% ने ये कंफर्म किया कि नहीं, ये उनको हेल्प करता है लर्निंग में। ये 2012 की रिसर्च से हमको पता चल रहा है। एंड इवन मोर रेलेवेंट इन दिस पेंडेमिक, और इस पेंडेमिक टाइम में जब हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, पढ़ा नहीं पा रहे थे, कुछ हम लाइब्रेरी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, हम मेटीरियल रिसोर्स तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो यूट्यूब ने हमको बहुत हेल्प की। देन बेनिफिट्स इन प्रोफेशन ऑल्सो, इससे प्रोफेशनली भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। कैसे, यू आर कीप लर्निंग टू अपलोड मोस्ट रेलिवेंट एंड अपडेटेड कंटेंट, है ना। कि जब आप यूट्यूब पर कुछ अपलोड करने लगते हैं तो आप सोचते रहते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाया जाए, कौन सा बहुत रेलिवेंट होगा, कौन सा एकदम अपडेटेड, कोई बात पता चल जाती है तो लगता है कि जल्दी से उसका वीडियो बना लिया जाए। बिकॉज क्योंकि ये अंदर से मतलब मोटिवेशन होता है ये कि वो शेयरिंग शेयर कर लिया जाए आपसे जो न्यू नॉलेज मिली है। ओके, देन इट बिकम कनेक्टेड विद द ग्लोबल ऑडियंस। आप सिर्फ अपने कॉलेज के टीचर नहीं रह जाएंगे, बल्कि आप ग्लोबल टीचर बन सकते हैं। आपको पूरी दुनिया जान सकती है, पूरी ऑडियंस आपको सुन सकती है ग्लोब की, अगर आप यूट्यूब पे बढ़िया कंटेंट डाल रहे हैं तो। देन लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी होने लगी। देखिए, वैसे क्या होता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे डालते हैं, है ना, तो आपका वो एसिंक्रोनस वाला सारा फायदा मिलता है, मतलब कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, आप अपने हिसाब से सुनेंगे, अपने हिसाब से समझेंगे, लेकिन रियल टाइम इंटरेक्शन आपका इंस्ट्रक्टर से, बोलने वाले से, स्पीकर से नहीं हो रहा है। लेकिन अब तो लाइव यूट्यूब स्ट्रीमिंग भी आ गई है, वो भी फ्रॉम मिड 2000 से ही आ गई, यानी कि आप लाइव हो सकते हैं यूट्यूब पे बोलते वक्त, और ये भी एक ऑप्शन खुला हुआ है। तब आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, वो आपसे रियल टाइम इंटरेक्शन भी कर सकते हैं ना। तो इट कैन सर्व इन बोथ मीडियम, एसिंक्रोनस एज वेल एज सिंक्रोनस। तो ये तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसके साथ। देन क्रिएटर्स ऑफ यूट्यूब कीप सेंडिंग पर्सनलाइज्ड मैसेजेस फॉर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इन रीचिंग एवरी माइलस्टोन। मतलब आप एकाकी नहीं है कि बस बना रहे हैं और कुछ भी हो जा रहा है, मतलब कुछ अचीव कर ले रहे हैं तब भी आप मतलब बस अकेले अकेले खुश हैं, या आपने सोचा कि चलो कुछ अच्छा हुआ, बल्कि जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं वो आपको पर्सनली मैसेजेस भेजते रहते हैं कि वाओ, यू हैव रीच्ड दिस माइलस्टोन, यू हैव डन वेरी वेल, हाउ यू हैव डन, योर यूट्यूब चैनल हैज डन लास्ट मंथ। तो ये एक आपको इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है और बढ़िया करने के लिए। देन इट इज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट फॉर टीचर ऑल्सो, कि आप बोलते रहते हैं, आप बार बार बोलते हैं, तो आप में थोड़ा सा परफेक्शन आ जाता है जो कि आप ऐसे नहीं हासिल कर सकते। ओके, देन शॉर्टकमिंग्स भी हैं, एवरीथिंग हैज टू पॉइंट्स ना, कोई भी चीज सिर्फ अच्छी नहीं मिल सकती हमको दुनिया में। क्या है यहाँ पे, एवरीथिंग इज पब्लिक, कुछ भी है अगर आपने उसको पब्लिक मोड पे डाल दिया तो कोई भी उसको देख सकता है ना, ऐसा नहीं तो आपको उसको कहीं करना पड़ेगा, कहीं शॉर्ट उसको क्या कर्टेल करना पड़ेगा, फिल्टर डालना पड़ेगा, नहीं प्राइवेट है, या जो जिसके पास लिंक होगी वही देख सकता है, इस तरह की बात, या एनी वन कैन अपलोड। ये सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग है यूट्यूब की, क्योंकि बहुत से लोग कुछ भी अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, कुछ भी, आई डोंट नो इट
इज राइट, वो नहीं जानते सही है गलत है, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं ठीक है. जैसे जो स्किल बेस्ड डालते हैं कि ये गड़बड़ी हो गई, इसको कैसे ठीक किया जाए, मोबाइल में आपके ये नहीं आ रहा है, कैसे ठीक किया जाए, वो जो वीडियोज हैं दे आर नॉट वेरी मच लर्नेड पीपल, बट उनको वो स्किल आती है तो वो अपलोड कर देते हैं और लोग उसको पढ़ते देखते सुनते भी हैं और उनको बहुत सारे मतलब बढ़िया भी चलता है उनका चैनल. लेकिन उनको बहुत सारा गलत बोल रहे हैं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको सुनेंगे तो उसी तरह से बोलना सीख जाएंगे ना, कम्युनिकेशन गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं. कई लोग तो मतलब आप समझ सकते हैं कि दे कैन अपलोड एनीथिंग ऑन यूट्यूब और उसकी वैलिडिटी और एक्यूरेसी पे कभी हमारा कंट्रोल नहीं. भाई हम ये कंट्रोल कर सकते हैं मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स की कोई ऐसी बात ना बोलें जो घातक सिद्ध हो सकती है या जो फिशिंग हो, स्पैम हो या ऐसा वैसा, लेकिन उसकी वैलिडिटी तो नहीं चेक कर रहे ना वो. देन वेस्टेज ऑफ टाइम फॉर सच यूथ्स हू हैव गॉट एडिक्टेड टू सच टाइप ऑफ वीडियोज. जो लोगों का एकदम एडिक्शन, हमने एक बार किसी वीडियो में आपसे एडिक्शन की भी बात की थी कि हम एडिक्ट हो जाते हैं, एडिक्ट हो गए हैं किसी ना किसी चीज के लिए. तो जो यूट्यूब वीडियोज का एडिक्ट हो गया, वो वही देख रहा है दिन रात, वही देख रहा है, वही देख रहा है, तो ये भी एक शॉर्ट कमिंग है. मतलब अगर वो वैसा वीडियो जो नॉन लर्निंग वाला है या जो कोई सेलिब्रिटी का है या कोई इस तरीके के टिकटॉक वीडियोज हैं, देन यूट्यूब लिंक प्रोवाइडेड बाई टीचर लेफ्ट द चाइल्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ यूट्यूब. ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे लगा तो मैंने आपसे शेयर किया. जैसे हम लोग एज अ टीचर, आपको हमने कोई मटेरियल देखा और हमने अपने यूट्यूब की लिंक भेज दी, तो जब आप यूट्यूब लिंक को क्लिक करते तो आप कहाँ पहुंच जाते हैं, यूट्यूब के पेज पे पहुंच जाते हैं ना. तो आप जरूरी नहीं है कि मेरा ही वीडियो देखेंगे, आपको बगल में कोई और वीडियो दिख रहा होगा और आ रहे होंगे आपके जो भी फेवरेट, जो आपने रीसेंट आपकी हिस्ट्री है, रीसेंट सर्च आपने किया, तो हमारा छोड़ के आप वो देखने लगेंगे, हमारा इन द सेंस कि आप अपने टीचर का छोड़ के. तो ये एक बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है इसकी, क्योंकि आप यूट्यूब के पेज पर चले जाते हैं तो फिर आप दुनिया का कोई यूट्यूब वीडियो देखिए, टीचर की वीडियो से नहीं मतलब है. तो क्या कर सकते हैं, वे आर मोर पॉसिबिलिटीज दैट दे मे व्यू वीडियो ऑफ देयर चॉइस इंस्टेड ऑफ एजुकेशनल. तो इसका एक सोल्यूशन भी है. क्या है, concluding remark, no doubt it is one of the best platform available for become professionally updated and connected with a much larger audience. I think no one can deny it, है ना, बहुत बढ़िया और एकदम best platform है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, teacher can use embed code of YouTube video at least on LMS. Moodle पे देखिए, आपने अगर आपने स्वयं का कोर्स का कोई वीडियो देखा होगा कुछ, तो आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको सिर्फ टीचर का इंटरफेस दिखाई देता है ना, मतलब टीचर बोलते हुए दिखाई देता है. क्यों, क्योंकि वहां पे एम्बेड कोड यूज किया जाता है. तो हम अगर ये करें कि एम्बेड कोड आपके साथ शेयर करें, तो जब आप एम्बेड कोड को क्लिक करेंगे तो सिर्फ वो वीडियो खुलेगा जो कि मैंने आपको भेजा है या टीचर ने आपको भेजा है, जबकि यूट्यूब वीडियो की लिंक होती है वो आपको यूट्यूब के पेज पर ले जाती है. तो इससे क्या होगा, सो दैट स्टूडेंट्स मे नॉट बिकम डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर वंस एट लीस्ट, है ना, वो तो वैसे तो वो जाके ढूंढ के देख ही सकते हैं. देन अपलोडर्स ऑफ वीडियोस फील मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मस्ट शोकेस बेस्ट चैलेंजिंग कंटेंट, है ना. थोड़ा हमारा इथिक्स एंड वैल्यूज भी होना चाहिए हमारे पास कि हम क्या अपलोड करने जा रहे हैं, कहीं वो किसी को कोई नुकसान दे तो नहीं है, कोई गलत बात तो नहीं हम शेयर कर रहे हैं, है ना. तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो कि आप सही, एकदम अद्यतन ना हो तो फिर भी ऐसा हो जो सही हो. देन By overcoming its few shortcomings, definitely it will become the best one. तो YouTube-based learning बहुत अच्छी हो सकती है अगर हम ये थोड़े छोटे मोटे इसके shortcomings दूर कर लें तो, और फायदे तो इसके हैं बहुत सारे हैं. So thank you all. So ये video YouTube viewers के लिए है ना. Okay, done from my side.